सो क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिड वुमन हैव ए रेवोल्यूशन। सो हम कह सकते हैं वुमन क्या भी बहुत ज्यादा इक्वल पार्टिसिपेशन था हर रेवोल्यूशन में। तो हम देख सकते हैं स्पेशली वुमन्स ने कौन कौन से रेवोल्यूशन स्टार्ट किए थे। सो मोस्ट वुमन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। दे वर्क एज सेमस्ट्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट एंड एम्प्लॉयड एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो यहाँ पे जो भी वुमन्स थे उनके ऊपर लिविंग का जो है वो दायित्व था, मीन्स वुमन्स वेर वर्किंग हार्डर देन द मैन। उनका घर चलाने के लिए सारा जो जिम्मेदारी थी वो वुमन्स के ऊपर में ही थी। तो वुमन्स ने वुमन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स करते थे। इसके बाद फिर देख लेते हैं मोस्ट वुमन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स वेर और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट। सो उस समय जो भी वुमन्स थे फ्रांस को, उनको एजुकेशन लेने का, उनको पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं था, मीन्स दे हैव नॉट राइट टू एजुकेटेड। मीन्स वहाँ पे उनको जॉब करने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी नहीं थी। बस थर्ड स्टेट में वही लोग जो कि नोबल्स के फैमिली से बिलोंग करते थे या फिर बहुत ज़्यादा रिच के फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके भी उनके डॉटर्स को पढ़ाया जाता था, वो भी एक कॉन्वेंट स्कूल में, नॉट ए रेगुलर स्कूल और ए जनरल स्कूल में। इसी तरह से यहाँ पे सब कुछ चल रहा था। फिर उसके बाद हुआ ये कि वर्किंग वुमन हैड टू केयर फॉर फैमिलीज एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। देयर वेजेस वेर लोअर देन दोज ऑफ मेन। अब उस समय जो मेन काम था वो वुमन्स के ऊपर में ही था। वुमन्स को जो है वर्क, अपने ऑफिशियस वर्क या फिर हाउस होल्ड वर्क्स को करने के साथ साथ अपने बच्चों को भी देखना था। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी जो वुमन्स थे वहाँ पे, उनकी जो वेजेस हैं, उनका जो सैलरी था वो मेन के सैलरी से बहुत ज़्यादा कम था। तो ये सारे डिफ्रेंशिएशन थे उस समय में। फिर आगे देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। अबाउट 60 वुमन क्लब्स केम अप इन फ्रांस सिटीज, डिफरेंट सिटीज। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए यहाँ के जो वुमन्स थे इन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा क्लब क्रिएट करना चाहिए या फिर एक ऐसा पॉलिटिकल क्लब क्रिएट करना चाहिए जिसमें हमारे जो भी इंटरेस्ट है, जो भी हम चाहते हैं, उसको इस पॉलिटिकल क्लब्स के थ्रू जो है वो हम गवर्नमेंट तक रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे सारे जो वुमन्स हैं उन्होंने मिलकर के लगभग उन्होंने पूरे फ्रांस सिटी में उन्होंने लगभग 60 वुमन क्लब्स बना लिए। उन 60 वुमन क्लब्स में सबसे जो टॉप में था या फिर जो सबसे फेमस था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमन। तो ये जो क्लब है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ इन 60 क्लब्स में। और इनका मेन मोटो था कि हम जो है वो पॉलिटिकल राइट्स डिमांड करें। सो वुमन्स डिमांडेड द पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, बट द 1971 कॉन्स्टिट्यूशन डिसअपॉइंटेड देम एंड रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन। तो इनका जो भी डिमांड था वो जो है उन्होंने जब ये पॉलिटिकल पार्टीज बना ली तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया और डिमांड्स रखे। लेकिन उन डिमांड्स को खारिज करता गया कौन सा, 1791 में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके अकॉर्डिंगली वुमेन्स वेर नॉट गिवन पॉलिटिकल राइट्स सच एज वोटिंग, इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इन सब में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिला और बाद में वुमेन्स को इन्होंने एज ए पैसिव सिटीजन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। सो क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमन बाय क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई उन्होंने बहुत सारे नए लॉ बनाए टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द वुमन्स। तो उन्होंने स्टेट स्कूल्स क्रिएट किए और स्कूलिंग फॉर गर्ल चाइल्ड जो है वो कंपल्सरी कर दिया गया ताकि जितने भी गर्ल चाइल्ड है उन सबको एजुकेशन मिल सके। उसके बाद मैरिज वाज मेड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। उस समय मैरिजेस जो थे वो एक्चुअली होता था, ये होता ये था कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने डॉटर्स को
एजुकेट करते थे अप टू 10th 12th, और 12th के बाद जैसे ही या फिर 10th के बाद या फिर 12th के बाद उनको मैरिज मैरिज जो है वो अरेंज कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सब चीजों से परे निकालते हुए उन्होंने मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर फ्रीली बना दिया, जिसमें वोमन मैन और वोमन जो है वो अंडर प्रेशर में नहीं आकर के बल्कि अपने डिजायर से शादी कर सकते थे, और उसको फ्रीली कर दिया गया, और ये जो मैरिजेस है वो अंडर सिविल लॉ में भी रजिस्टर्ड होने लगे। इसके बाद डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड अप्लाई फॉर बाय बोथ वुमन एंड मैन। इस समय फिर और एक चेंज ये आया कि डाइवोर्स जो है वो उसको लीगल बना दिया गया, और ये डाइवोर्स जो है वो मैन भी क्लेम कर सकते थे और वुमन्स भी इसको क्लेम कर सकते थे। फिर उसके बाद वुमन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिसन, रन स्मॉल बिजनेसेस। इसके बाद वो वुमन्स को बहुत सारे राइट्स मिल गए, और इसके बाद उनको जो है जॉब्स करने की आज़ादी मिल गई, उनको आज़ादी मिल गई आर्टिस्ट बनने का, वो अपना एक छोटा मोटा बिजनेस भी चला सकते थे। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स उनको मिल गए। सो रेवोल्यूशन में इतना यहाँ तक मिल गया, लेकिन वुमन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट 200 ईयर्स। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमन ऑफ फ्रांस वन द वोट राइट टू वोट। सो सारे राइट्स उनको मिल गए, बट दो राइट था, वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस। ये जो है जो वुमेन्स है फ्रांस में, इनको 200 सालों के बाद मिला। मींस ये जो चाहती थी कि इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, बट राइट टू वोट उनको नहीं मिला, और इक्वल वेजेस कंपैरिजन टू मैन ये भी नहीं मिला उनके लिए। वो करीब 200 साल तक फाइट करती रही, और फाइनली उनको 1946 में ये दोनों मिल गए, मींस इक्वली राइट टू वोट जो है इनको यहाँ पे मिल गए। सो क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो हम देख सकते हैं कि इस समय गुलाम जो है बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और किंग्स जो है वो स्लेव्स को परचेज करते थे, गुलामों को परचेज करते थे टू डू हाउस होल्ड वर्क, या फिर जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ग्रोइंग सुगर केन, कॉफी, इंडिगो, टोबैको। इसी तरह से यहाँ पे स्लेव ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा फैशन में था, और लोग स्लेव्स को खरीदते थे और बेचते थे। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हुई। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिम वॉज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच सोसाइटी। तो सबसे पहले जो स्लेव्स हैं उनको फ्री करने के बारे में जैकोबिन क्लब ने ही सोचा था, और उन्होंने एक रेवोल्यूशन भी पास की थी जिससे कि स्लेव्स को फ्री कर दिया जाए। बट क्या हुआ, द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनक्यू, गडिनपो एंड सैन बोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कॉमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर केन एंड कॉफी। तो उस समय क्या हुआ, जो कैरेबियन था उसमें तीन प्लेसेस जो थे वो मुख्य थे ट्रेड के। पहला है मार्टिनक्यू, गुडेलोप एंड सैन बोमिंगो। ये जो तीन प्लेसेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और यही से सारा कॉमोडिटीज जो है वो पूरे सिटी में पूरे फ्रांस में एक्सपोर्ट होते थे, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर केन एंड कॉफी। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही ये सब चीजें मार्केट्स में आने लगी तो क्या हुआ, जो डिमांड्स थे वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो अब इसको फुलफिल करने के लिए देयर वाज अ नीड के और ज्यादा स्लेव्स चाहिए, ताकि इसको इन सब चीजों को और ज्यादा ग्रो किया जाए। तो वहां पे अब वो क्या करने लगे, वो अब ट्रेड्स स्लेव्स के तलाश में निकल गए। टू मीट द शॉर्टेज ऑफ लेबर ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका स्टार्टेड। अब ये जो लेबर्स की कमी थी, स्लेव्स की कमी थी, तो उन्होंने सोचा कि हमें ये स्लेव्स जो है वो किसी दूसरे कंट्री से लाना होगा, और उन्होंने एक ट्रायंगुलर ट्रेड शुरू कर दिया। तो ट्रायंगुलर ट्रेड जो है वो तीन कंट्रीज के बीच में हुआ, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका में। उसके बाद स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी, फ्रेंच मर्चेंट्स सेल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और नांते टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे कुड बाय स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेंस। अब हुआ ये कि जैसे ही ये स्लेव ट्रेड शुरू हुआ, अब स्लेव ट्रेड से शुरू होने का मेन कारण था कि शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स, और ये एक्चुअली जो स्लेव ट्रेड है वो 17th सेंचुरी में शुरू हुई थी, और इसको फ्रेंच मर्चेंट्स ने शुरू किया था, जो कि दो
पोर्ट से वो ट्रांसफर करते थे, बॉर्डक से और दूसरा है नांते से। अब यहाँ पे हुआ ये कि वो जो है वो अफ्रीकन कोस्ट पे जाते थे नाव से, और वहां पे जाने के बाद वहां के जो लोकल चीफ्टेंस होते थे, चीफ्टेंस मीन्स जो लोकल सरदार होते थे, उन लोकल सरदार से वो क्या करते थे, गुलामों को खरीदते थे, और खरीदने के बाद स्लेव्स वेयर ब्रांडेड एंड शैकल्ड एंड टाइटली पैक्ड इनटू शिप्स फॉर 3 मंथ लॉन्ग वॉयेज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन एंड सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। अब जैसे ही वहां पे गुलामों को लोकल सरदार से खरीद करके ये जो फ्रेंच थे वो क्या करते थे, उन सबको एक जहाज में लाते थे, और लाने के बाद ब्रांडेड एंड सेकल्ड। ब्रांडेड का मतलब होता है कि पहले जो प्रथा थी गुलामों का, कि मान लो कि एक किंग है कुछ गुलामों को लेकर के जा रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ गर्म लोहा जो है उसके पीठ में लगा देगा या फिर किसी भी बॉडी पार्ट्स में लगा देगा एज ए मार्क, ताकि वो उसका गुलाम है ये पहचानने के लिए वो क्या करते थे, गर्म लोहे से उसको दाग दाग देते थे। और दूसरा उनको जंजीरों में बांध करके एक नाव में भर करके वो क्या क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर के जाते थे। और यहाँ पे जो ब्रांडेड स्लेव्स और उनको जो है वो इसी तरह से दाग करके, उनको हथकड़ी पहना करके, जंजीरों में लपेट करके, उनको क्या करते थे, शिप में भर करके रखते थे। और वो शिप जो है करीब 3 महीना जो है वो ओशंस में ट्रैवल करता और लास्टली कहाँ पहुंच जाता था, द आर्टिक टू द कैरेबियन। और जैसे ही वो आर्टिक में पहुंच जाता था, अटलांटिक में, तो वहां पे जो भी प्लांटेशन ओनर्स थे, जिनको लेबरर्स चाहिए थे या फिर स्लेव चाहिए थे प्लांटेशन करने के लिए, तो वो क्या करते थे, उन गुलामों को खरीद लेते थे। अब इसके बाद हुआ ये कि इसी तरह से गुलामों की खरीद और बिक्री जो है वो यहाँ पे चलती रही, और यहाँ पे गुलामों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और जो लोकल चिप्तेर्स थे वो इनको खरीदते थे और बेचने लगे थे। अब हम बात करेंगे वो कि कब आजाद हुए थे, तो हम कह सकते हैं इन द ईयर 1794 लेजिस्लेटिव पास ए कन्विक्शन विच फ्रीड द स्लेव आफ्टर। अब जैसे कि हम कह सकते हैं 1974 में जो लेजिस्लेचर था फ्रांस की, उन्होंने एक कन्विक्शन पास की थी। उस कन्विक्शन के में ये था कि जितने भी स्लेव्स हैं फ्रांस में उन सबको आजाद कर दिया जाना चाहिए, और सबको आजाद कर दिया गया। लेकिन ठीक उसके 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स लेटर, नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, इट्स एनस्लेव्ड द अफ्रीकन नेग्रो। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रांस फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। अब जैसे ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने कन्विशन पास किया था कि स्लेव्स को फ्री कर दिया जाए, तो मिनिमम 10 ईयर तक जो है वो स्लेव्स फ्री थे। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स नेपोलियन बोनापार्ते ने स्लेवरी को फिर से रीइंस्टीट्यूट कर दिया अंडर डिक्टेटर्स गवर्नमेंट। और उसके बाद ये जो है इन्होंने नेपोलियन गवर्नमेंट ने निग्रोस को, अफ्रीकन निग्रोस को उन्होंने स्लेव बनाना शुरू कर दिया, और फाइनली स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड इन फ्रांस फ्रेंच कॉलोनी इज इन 1848। तो फाइनली 1848 में गुलाम मिर्च जो है वो, या फिर गुलाम जो है वो खत्म हो गए, और वहां से कभी भी खरीद और बिक्री नहीं हुई। सो क्लास आवर लास्ट टॉपिक इज द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन सब चीजें खत्म होने के बाद आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, अब हम देखते हैं वहां पे जो कॉमन एवरीडे लाइफ था वो किस तरह का था। अब देखते हैं जैसे ही फ्रांस आजाद हो गया था, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी, सब कुछ आ गया था, तो लोग जो है वो एक दूसरे में बिजी थे। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी थी जो कि अभी उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए थी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बस्टिल था यहाँ पे, सो वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इन टू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टिल इन समर 1789 वाज एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। सो अब यहाँ पे एक चीज थी जो कि चाहिए था आफ्टर द नेपोलियन बोनापार्टिस गवर्नमेंट, इसमें भी चाहिए था जब नेपोलियन बोनापार्टी की गवर्नमेंट थी फ्रांस में, तो उस समय भी ये सेंसरशिप जो है वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल थी। अब बहुत बच्चों को डाउट हुआ कि सेंसरशिप क्या होता है, तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि
कोई भी न्यूज़पेपर है या फिर कोई भी एडिटिंग है, कोई पैम्पलेट वाला है या फिर कोई भी बुक राइटर है, तो उनको जो है कुछ परमिशन चाहिए होते हैं गवर्नमेंट से टू पब्लिश देयर आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं कोई न्यूज़पेपर है, अगर वो किसी लीडर के बारे में उसको कुछ लिखना है, कुछ आर्टिकल्स देने हैं पेपर में, तो वो पहले क्या करेगा, उससे एक इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद वो उस पेपर में उसके बारे में कंटेंट्स डालेगा। कंटेंट्स डालने के बाद वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लीडर को जाकर के वो दिखाएगा कि देखिए आपका जो इंटरव्यू था मैंने इस तरह से उसको प्रिंट किया है। मीन सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि उस न्यूज़पेपर में वही कुछ लिखा जाएगा जो कि एक किंग चाहता है, उनके फेवर में होना चाहिए, उनके अगेंस्ट में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। तो वहां पे क्या था, वो सेंसरशिप था। तो बाद में क्या हुआ, इन द ईयर 1789 में इन्होंने एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, तो सेंसरशिप को यहाँ से निकाल दिया गया और वहां पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो आ गई और लोगों तक ट्रू न्यूज पहुंचने लगे। और जैसे ही फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल गई इनको, तो यहाँ पे डिबेट शुरू हो गए सही का और गलत का, और इससे क्या हुआ, एक बेटर गवर्नमेंट बनती गई और फ्रांस जो है वो एक डेवलप्ड कंट्रीज में कन्वर्ट होते गया। सो क्लास आवर चैप्टर एंड्स हियर।